हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते साथियों। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक छोटी सी माफ़ी भी मांगनी है। बधाई इसके लिए कि आपने एसएससी का संघर्ष जिस हिम्मत से, जिस शिद्दत से, जिस जुनून से चलाया, उसने पूरे देश में एक नई लहर पैदा की है। मुझे पता लगा कल आपने इतनी बढ़िया रैली की, इतने विद्यार्थी आए, इतने युवा आए, और सच के साथ युवा खड़े हैं, ये पता लगा। धन्यवाद आपके उन तमाम टीचर्स को जो इस संघर्ष में साथ में बैठे, जिन्होंने उपवास किया एक दिन का। शिक्षक जब साथ हो जाए तो समझिए सच आपके साथ है, क्योंकि गुरु ज्ञान का जरिया है। वो जुड़े उन सब गुरुजन को मेरा सलाम और माफी इसलिए कि मैं पहुंच नहीं सका। पहले दिन तक से मैं आपके साथ रहा हूं, जब जब आपने बुलाया मैं रहा हूं। कल के लिए कई साथियों का संदेश आया, लेकिन क्या करूं, मैं तेलंगाना के एक छोटे से कस्बे के अंदर घूम रहा था। पिछला सप्ताह भर मैं पटना, हैदराबाद, कर्नाटका, तेलंगाना, अलग अलग जगह घूमता रहा हूं, किसानों की मंडियों में देखने के लिए किसान की अवस्था क्या है। इसलिए चाहते हुए भी कल आपके पास आ नहीं पाया, लेकिन बाहर घूमने का एक फायदा हुआ। पटना में जब गया तो वहां गांधी मैदान में आपके साथी बैठे हुए थे एसएससी आंदोलन के समर्थन में, और क्या जोश था, क्या उत्साह था। आपको पता नहीं, आप लोगों के प्रयास ने देश भर में जो उत्साह भरा है। मैं दो दिन पहले लखनऊ भी गया था, वहां लखनऊ के साथियों में इलाहाबाद से कुछ लोग आए थे, फिर हैदराबाद गया, वहां के युवाओं में आप लोगों ने जितना एक विश्वास भर दिया है, दोनों बात कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सिर्फ काफी नहीं, गलत हो रहा है, शिकायत करना तो बड़ी साधारण बात है, लेकिन इसके खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं, ये आपने एक हौसला पैदा किया है। ये मैंने देखा अलग अलग जगह पे, और मैं समझता हूं कि इस पहले 18 दिन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि। कुछ लोग कह सकते हैं कि 18 दिन में कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया, मांग को मानना तो दूर, सरकार ने अपना एक प्रतिनिधि भी नहीं भेजा आप लोगों के पास। जो दो सिंपल बात थी, सीबीआई जांच हो और जांच होने तक इन परीक्षाओं पे स्टे दिया जाए, तो साधारण बातें थी, कोई बड़ी मांग नहीं थी। कोई सरकार थोड़ी सी भी संवेदनशील होती तो इसको मान लेती। इसकी बजाय तिकड़म हुई, झूठ बोले गए, तमाम किस्म की, अभी भी चल रहा है सीबीआई जांच हो गई है। अरे भाई, हो गई है तो चिट्ठी दिखा दो ना। कोई आंदोलन करने में मजा आता है क्या? रात को वहां सोने में मच्छरों के बीच मजा आता है क्या? आप बता दीजिए क्या हुआ है, सब संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ है। 18 दिन में ना तो बात मानी गई, ना कोई सुनने आया। इसके बाद भी आप लोग डटे रहे, पता नहीं क्या कुछ कहा गया, पार्टी के एजेंट हैं, जबरदस्ती किए गए हैं, किसी कोचिंग सेंटर द्वारा बैठाए गए हैं, इस सारे झूठ को आपने नकारा, जबकि तमाम किस्म की चीजें हो रही थी। जयपुर में लड़कियों के ऊपर बदसलूकी हुई, कल परसों पटना में दारोगा के सवाल के ऊपर वहां लाठियां चली, लेकिन आप इस देश में युवाओं के आक्रोश का और न्याय के लिए युवाओं की मांग की आवाज के रूप में सामने आए हैं। मुझे पता लगा कल आपने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब इस आंदोलन को एक चरण ऊपर लेके जाएंगे। 31 तारीख को, 31 मार्च को हल्ला बोल का कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित करेंगे। मैं आपके फैसले को फिर सैल्यूट करता हूं। बहुत बड़ा फैसला आपने लिया है, यानी कि आंदोलन, याद है मैंने पहले से आपको कहा था, गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन में यही हुआ था। छोटी मांग से शुरू हुआ था, सरकार मान लेती तो वहीं खत्म हो जाता, सरकार ने नहीं माना तो वो आंदोलन बढ़ता गया, एक एक कदम आगे गया। आपके आंदोलन ने भी एक बड़ा कदम आगे उठाया है। अब सिर्फ एसएससी नहीं, तमाम सरकारी नौकरियों में जिस किस्म की धांधलेबाजी है, सरकारी नौकरियों को जिस किस्म से खत्म करने की साजिश की जा रही है, और इस देश के शिक्षित युवक युवती को
जिस तरह से अनिश्चय और अंधकार में धकेला जा रहा है उस सब के विरुद्ध आक्रोश का प्रतीक बन गया है। 31 तारीख हल्ला बोल दिल्ली का आपने फैसला लिया है, फैसला सही लिया है, लेकिन खाली फैसला करके अगले 15 दिन बैठना नहीं है। अब फेसबुक पे लिखना है, मैसेज लिखने हैं, व्हाट्सएप पे संदेश भेजना है। अगर आप दिल्ली में हैं, मुखर्जी नगर में हैं, तो वापस जाके जहां से आए हैं, इलाहाबाद से, बिहार से, भोपाल से, राजस्थान से, वहां जाइए, साथियों को जोड़िए, सबके साथ योजना बनाइए, फोन कीजिए, हर तरह से ये संपर्क भेजना है, हर तरह से मैसेज भेजना है, हर चैनल के थ्रू ये मैसेज भेजना है। 31 तारीख को दिल्ली आओ, दिल्ली चलो, हल्ला बोलो। 31 तारीख को आप आइएगा, मैं पहले दिन से आपके साथ रहा हूं, हर वक्त रहा हूं, इस बीच में घूमूंगा देश भर में, आपका संदेशा भी लेके जाऊंगा, लेकिन 31 तारीख को आपके साथ जरूर रहूंगा। इंतजार रहेगा, बहुत बड़े संघर्ष में एक कदम और आपने उठाया है, अभी जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन बड़ी जीत की तरफ हम अग्रसर हैं, बहुत बड़े संघर्ष में हैं, मैं आपके साथ हूं। 31 को मिलेंगे, आएंगे ना आप, मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया।